हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। बिहार पुलिस में सिपाही पद की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 20 जनवरी को होने वाली दोनों पालियों की लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई है। बिहार पुलिस चयन परिषद ने अपरिहार्य कारणों से दोनों पालियों की परीक्षा स्थगित करने की बात कही है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किन कारणों से ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है। क्योंकि बिहार में जोरदार ठंड पड़ रही है, लिहाजा अभ्यर्थियों को होने वाली परेशानी के मद्देनजर परिषद ने यह कदम उठाया है। परिषद के सूत्रों ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे के अधिकारियों और रेल एडीजी के साथ बैठक हुई थी, जिसमें अतिरिक्त ट्रेन चलाने का अनुरोध भी किया गया था। रेलवे ने परिषद की बात पर सहमति जताते हुए विभिन्न रूटों पर अतिरिक्त ट्रेन चलाने पर सहमति भी जताई थी, लेकिन कुहासे के कारण रेलवे ने ट्रेन के परिचालन समय सीमा में चेंजिंग कराने से इनकार कर दिया। इसके अलावा औरंगाबाद में ही 13,000 परीक्षार्थियों के सेंटर हैं। परिषद का मानना है कि कड़ाके की ठंड में इस छोटे जिले में एक साथ 13,000 परीक्षार्थियों का रहना मुश्किल होगा। साथ ही अगले 19 और 20 जनवरी को मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बारिश होने की भी आशंका है, संभावना जताई गई है, और कहीं परेशानी ना बढ़ जाए इसलिए परिषद ने यह कदम उठाया है। 12 जनवरी को पहले चरण की परीक्षा विभिन्न जिलों में बनाए गए 550 केंद्रों पर दो पाली में आयोजित की गई थी। दोनों पालियों की परीक्षा में शामिल होने के लिए 6,50,000 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जबकि लगभग 6,00,000 अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होना था। अभ्यर्थियों को केंद्रों पर पहुंचने में हुई परेशानी के कारण परिषद की काफी किरकिरी हुई। ट्रेन में जगह नहीं मिलने पर कई स्टेशनों पर अभ्यर्थियों ने हंगामा और तोड़फोड़ भी किया था। हम आपको बता दें कि ई प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट पर 18 जनवरी से उपलब्ध होगा। प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं होने पर अभ्यर्थियों को केंद्र पर दो फोटो साथ में लाना होगा। वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होने की स्थिति में 28 और 29 जनवरी को बैक हार्डिंग रोड स्थित कार्यालय में डुप्लीकेट प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। अभ्यर्थियों को साथ में आवेदन पत्र की छाया प्रति और वैध फोटो युक्त पहचान पत्र भी लाना होगा। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहें रेड नेटवर्क के साथ। आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।